हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम नमो बुद्धाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एन ए टू ब्लॉग। सो टुडे इज 22nd ऑफ मे संडे एंड आज का दिन है KTM के नाम। तो आज मैं जा रहा हूँ KTM के साथ जिन्होंने एक राइड ऑर्गेनाइज की है टू अलीबाग दैट इज जिमी रिसोर्ट। तो अभी मैं आया हूँ अंधेरी KTM शोरूम के लिए। तो अभी तो ऐसा राइडर्स आए नहीं, अभी तक 3-4 लोग आए हैं और टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 6 in the morning। तो अभी निकलेंगे हम लोग, सारे लोग राइडर्स का वेट कर रहे हैं। निकलते निकलते हम लोग यहाँ से अभी ऑलमोस्ट आधा घंटा पकड़ लो, 6:30 6:45 के अराउंड हम लोग निकलेंगे। तो लेट्स चेक इट आउट कि कितने राइडर्स है। लिस्ट में तो कुछ 40-50 है, तो अभी देखते कितने लोग आते हैं। आधे लोग कोई भांडुप से आ रहे हैं आगे, कोई आधे लोग ऐसे पॉइंट से सब लोग मिल रहे हैं। तो मैं तो आया हूँ और भी 4-5 राइडर्स आए, तो लेट्स चेक इट आउट कि अभी कितना टाइम लगेगा। सो निकलेंगे तो मिलते हैं बाइक पर। सो यस वी आर ऑल सेट टू लीव और टाइम हो गया है 6:50 in the morning। थोड़ा लेट हो गया, अभी यहाँ पे फ्लैग ऑफ कर रहे हैं KTM के तरफ से एंड हम लोग यहाँ से 9 राइडर्स है। आगे जैसे वाशी में कुछ है 8-10 लोग और पनवेल में है कुछ। फ्लैग ऑफ हो रहे गया, यस फ्लैग ऑफ और हम लोग निकल पड़े। काफ़ी एक्साइटेड डे रहेगा आज का क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए KTM ने। सो लेट्स हिट द रोड। रीच्ड घाटकोपर, तो घाटकोपर से और आज का जो डेस्टिनेशन है वो है अलीबाग जिमी रिसोर्ट, जिमी बीच रिसोर्ट करके कोई प्लेस है जहाँ पे हम लोग जाना है, विच इज़ ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर, ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली 2 आवर्स का डिस्टेंस रहेगा यहाँ से। तो वी विल बी होल्डिंग एट द वाशी टोल प्लाजा। पहला हमारा हॉल्ट रहेगा वाशी टोल प्लाजा के यहाँ पर, जहाँ पे और भी राइडर्स हमको कनेक्ट करेंगे। देन वी विल बी हॉल्टिंग एट पनवेल, वहाँ पे थोड़े राइडर्स हम लोग को मिलेंगे। तो आई गेस ग्रुप ऑफ 20-25 पीपल्स का राइड है आज का और मज़ा करेंगे आज के दिन। और यह हमारा घर जहाँ पे हम रहते हैं, अगर हमको बताया गया होता कि आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते थे तो हम यहीं से ज्वाइन कर सकते थे, कोई नहीं। पर वो जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ से निकलने का मज़ा ही कुछ और होता है, तो मैंने सोचा कि नहीं चलो KTM के यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं। तो जाते हैं अभी, देखते वाशी में कितने लोग हमको मिलेंगे। अच्छे अच्छे राइडर्स, एक्सपीरियंस राइडर्स से मुलाकात हुई। ये जो हमारे भाई है ये KTM के लिए काम करते हैं, सो ही विल बी लीडिंग अस। ऐसे तो डेस्टिनेशन मुझे पता है, मैं तो जा सकता हूँ, बट लेकिन साथ में सब लोग निकलेंगे और साथ में जाएंगे, साथ में घूमेंगे फिरेंगे तो अच्छा लगेगा। सो जैसे जैसे ये लोग सब चल रहे वैसे हम लोग भी निकलेंगे। वी आर ऑल सेट टू लीव फ्रॉम पनवेल। तो पनवेल से भी फ्लैग ऑफ हो रहा है, तो बेसिकली पनवेल ही हमारा लास्ट स्टॉप था जहाँ पे सारे राइडर्स आके इकट्ठे हुए। तो मोर देन 20-25 राइडर्स है हमारे साथ एंड वी आर ऑफिशियली लीविंग फ्रॉम पनवेल। सो ये रहा हमारा फ्लैग ऑफ, सो वी आर ऑल सेट टू लीव, सो लेट्स गो। हाँ मज़ा आ रही है राइड करने के लिए। अभी तो मस्त भगा रहे हैं, अराउंड 80-100 की स्पीड मेंटेन रख रहे हैं, अच्छा खासा रोड भी मिल रहा है और सब लोग अपने अपने रंग में भी आ रहे हैं, अपनी अपनी राइडिंग स्किल्स भी दिखा रहे हैं। नॉट इन द सेंस कि रैश ड्राइविंग, बट यस काफ़ी एक्सपीरियंस ड्राइवर्स भी है हम लोगों के क्यू में आज, तो अच्छा सा एक्सपीरियंस रहेगा। वहाँ जाके सब लोग से मैं मिलूँगा, इंट्रोडक्शन भी सेशन हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। कि 390s भी है, 250 एडवेंचर का जो सीरीज़ है वो ज़्यादा है। हालांकि जब मैंने KTM 250 एडवेंचर ली थी तभी इतना क्रेज़ नहीं था 250 ADV का, पर स्लो एंड स्टडी जैसे जैसे राइडिंग्स का क्रेज़ बढ़ते गया तो 250 एडवेंचर पे ज़्यादा फोकस रखा है सब लोगों ने एज़ कम्पेयर टू 390। और आज के राइड में भी 390 एडवेंचर से ज़्यादा 250 ADV है, तो अच्छा लगा मुझे देखकर कि राइडर्स अभी एडवेंचर बाइक्स की कैटेगरी को अपनाना शुरू कर दिए। Thank you.
ऑलमोस्ट रीच्ड, सिर्फ 2 किलोमीटर है यहाँ से, 2.1.9 किलोमीटर जिमी बीच रिसोर्ट। जबकि रास्ता पता था ऑफिशियल्स को, बट लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि आप मैप लगा लो, क्योंकि आगे पीछे अभी सब हो गए ड्यू टू ट्रैफिक, तो अपना अपना मैप लगा लो। तो मैप लगा लिया हम लोगों ने, तो अभी मैं पहुँचूँगा अराउंड 5 मिनट्स का बता रहा है अकॉर्डिंग टू मैप, तो उसके पहले ही पहुँच जाएंगे, कोई बात नहीं। ओहो अच्छा सा मज़ा आ गया यार राइड करने के लिए। अभी देखते जाके नाश्ता वास्ता कर लेते, फिर अच्छे खासे फ़ोटो वोटो क्लिक करेंगे। ओहो तो यस, अभी मिलता हूँ जाके आप सभी को, फिर से फ्रेश व्रेश होते हैं नाश्ते के लिए। टिल द टाइम स्टे ट्यून माय फ्रेंड्स। ओहो मज़ा आ रहा है। तो यस अभी निकल पड़ गया, हो गया सब रेडी होके, ड्रेसिंग वेसिंग चेंज कर ली, और सारी बाइक्स भी यहाँ पे पार्कड है, तो ये सारी बाइक्स यहाँ पे पार्किंग करके अभी सब लोग अंदर गए। तो अभी अंदर जाते हैं और चेकआउट करते हैं कि नाश्ते में क्या है। मेरे को तो बड़ी भूख लगी है, तो एक मिनट पहले देख लेता हूँ मैं कुछ सामान वामान या कुछ मैं भूल गया हो क्या। यहाँ पे कुछ भी नहीं अपना और किसी और का भी नहीं, सो लेट्स चेकआउट और जाते हैं अंदर। हमारे लिए तो एक स्पेशल अरेंजमेंट भी किए, एम्बुलेंस अच्छा है, सेफ्टी का अच्छा खासा ध्यान रखा है KTM वालों ने। चलो जाते हैं अंदर और चेक करते कि आज के लिए नाश्ते में क्या है। आहा क्या ही प्रॉपर्टी भाई, जिमी रिसोर्ट, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा सा प्रॉपर्टी है। आप सभी को मैं रूबरू कराऊंगा प्रॉपर्टी से और डिटेल्स भी लेंगे कि क्या है करके। अभी निकल रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे हैं, बहुत लंबी लाइन लगाई है सब दोस्तों ने मिलके, तो मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ। देखते हैं, अराउंड 7-8 लोग हैं अभी अभी भी। तो नाश्ते के लिए अभी देखा तो मैंने पोहा अंडा था, ऑमलेट बनाया था और कुछ जूस सिस्टम टाइप है। पेट तो नहीं भरेगा मेरा, बट स्टिल मैनेज करना पड़ेगा। सो वी हैव नाश्ते में ब्रेड ऑमलेट, इडली सांभर और मैंने पोहा लिया है। काफ़ी चीज़ें हैं अवेलेबल खाने के लिए, तो पहला राउंड में हम लोग पोहा और ये सब खा लेंगे, बाकी देखते आगे के नेक्स्ट राउंड में क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो ही इज़ निखिल, ये मेरे राइड में फर्स्ट मेरा फ्रेंड बन गया है। एक और है, उससे भी आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। तो हमारे लिए जूस लेने गया है। सांभर का टेस्ट एज यूजुअल अच्छा लगता है, माय फेवरेट। तो यस मैं आपको बोला था कि मैं एक और फ्रेंड से मेरे को इंट्रोड्यूस कराना आपको। सो ही इज़, हेलो आदित्य, मीज आदित्य। तो ही इज़ माई सेकेंड फ्रेंड जिसका मेरा फ्रेंडशिप हो गया अभी राइड पे। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं अभी मिला हूँ, राइड एक्सपीरियंस भी शेयर किया हूँ, तो आई होप इनके साथ कभी मैं राइड करने का प्लान करूँगा। बाकी का दिन तो सही चल रहा है एज यूजुअल, जैसे मैंने बताया संडे यूजुअली मैं राइड करता हूँ 200-300 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर इतना कुछ लगा नहीं मुझे। तो फाइनली वी आर बैक ऑन दी रोड। तो नाश्ता करने के लिए सबको अलाउ नहीं किया क्योंकि उन लोग का पूरा टाइम स्लॉट ख़त्म हो गया, तो थोड़ा सा कुछ मिसकम्युनिकेशन के कारण थोड़ा सा अनबन हो गया, तो हम लोग ने चेकआउट कर लिया उसी टाइम पर। कोई नहीं, अभी बाकियों के लिए जो रिमेनिंग थे उनके लिए उन लोग ने नाश्ता अरेंज किया है, और जिनको रहना है वो एक्सप्लोर करने गए बीच। मुझे भी मेरे फ्रेंड्स लोग ने, 2-3 लोगों ने बोला कि वेट कर करके, बट नहीं, मुझे भी घर पे थोड़ा काम है तो मैं निकल गया। सो बेसिकली अभी हम लोग 6 राइडर्स हैं जो हम लोग साथ में मुंबई के लिए जाएंगे। तो अभी 11:15-11:30 हो गया है, तो अभी निकलेंगे हम लोग। और सोचा तो है नॉन स्टॉप मारने का मैंने तो, बट अभी पता नहीं, ये जो सामने चल रहा है ये थोड़ा फर्स्ट टाइम आया है इसका राइडिंग, तो देखते हैं। वो बोला अगर हुआ तो हम लोग एक छोटा सा ब्रेक ले लेंगे नींबू पानी या ऐसे नारियल पानी पीने के लिए। सो लेट्स कंटिन्यू दी जर्नी और निकल पड़े हम मुंबई के लिए। सो जैसे आए थे सेम रूट ही लेंगे हम लोग, 100 किलोमीटर्स का रन। सो यस वी हैव कनेक्टेड टू द मेन हाईवे, और सारे हमारे दोस्त लोग जो हम लोग 5 लोग थे मिल गए फिर से। तो बेसिकली मैं बीच में थोड़ा स्लो हो गया था, JSW स्टील्स के यहाँ पे ही मैं मिल गया उन लोगों को। तो अभी यहाँ से रुकने का तो कोई विचार है नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है सब लोग अपने ऑल फ्रेश है, सब लोग मज़े में राइड करने के विचार में है, तो कोई लग नहीं रहा है कि अभी
कहीं रुकने का प्लान है? स्पीड ब्रेकर, आराम से आराम से। ओहो, थम्स अप माउंटेन। आई गेस मैं पहुंच गया हूँ कर्नाला के आसपास, कर्नाला बर्ड सेंचुरी वहाँ पर। तो यहाँ से अभी तो ज़्यादा दूर नहीं लग रहा है मेरे को पहुँचने के लिए, अराउंड 1 आवर या 1.5 आवर में पहुँच जाऊँगा मैं। और अभी तो आने के टाइम रिटर्न जर्नी में मैं तो 100 के नीचे चला ही नहीं रहा हूँ। गाड़ी मस्त क्रूजिंग स्पीड चलती जा रही अपनी गाड़ी, और नॉन स्टॉप ही जाने का सोच लिया मैंने तो। ये लोग रुक लिए तो रुक लिए। ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, तो पहुँच गए हम नवी मुंबई वाशी। तो हमारे लिए वाशी इज़ नवी मुंबई। तो जस्ट अभी ये वाशी का जो मेन ब्रिज है वहाँ पे हम लोग आ गए। अभी वाशी खाड़ी का ब्रिज आ जाएगा, फिर मानकुर, मानकुर से राइट, देन हमारे घर। तो हमारा दोस्त भी हमारे पीछे है, हमारे साथ ही आ रहा है, जब इसे अच्छा राइड कर रहा वो भी। मज़ा आ गया। टाइम के मुताबिक तो सही है, 1 बजे तक पहुँच जाना चाहिए था घर, बट वाशी तक पहुँच गया 1 बजे, कोई इशू नहीं है, इतना टाइम तो ऊपर नीचे चलता ही। पहुंच गए जी हम हमारे इलाके में। अब यहाँ से बस कुछ ही मिनटों पर हम हमारा घर पर पहुंच जाएंगे। जस्ट अभी मैंने वो लास्ट मेरा जो फ्रेंड था आदित्य या निखिल, दोनों में से कोई, तो उनको मैंने छेड़ा नगर से थोड़ा गाइड कर दिया बांद्रा जाने कैसे। तो इट्स 9:26 इन द इवनिंग और मैं उठ गया हूँ। आते ही मैं सो गया, कुछ खाया नहीं पिया नहीं, फ्रेश भी नहीं हुआ, इतना थक गया था। दोस्त के साथ गया, थोड़ा काम वाम किया, शाम को 6:30-7 बजे आ गया और जो सो गया अभी 9:30 बजे तक मैं सो गया। अभी खाना भी खाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन मम्मी ने बनाया तो थोड़ा बहुत खा लूँगा अभी, और नहा धो के फिर अच्छे से फ्रेश हो जाऊँगा पूरा। सो यस, आज का दिन काफ़ी अच्छा गया और यही आज का वीडियो को एंड करते हैं। तो चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और लाइक और शेयर ज़रूर करना वीडियो को, अच्छा लगा तो। टिल द टाइम, बाय बाय, शबके, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।